लेवल में आ सकता है ये कंपनी। देखिए तो ये खाई कितना गहरा है, कभी भी स्लाइड हो सकते। देखिए तो देखिए, देख सकते हो क्या हाल है, यहाँ से जाना पड़ता है, कभी भी धस सकता है। वैसे आप लोग कहाँ से हो? झारखंड से, मतलब जितने लोग हैं सब झारखंड से हो? मैं पहुँच चुका हूँ अपने बाइक के यहाँ, तो चलिए ये अलग पार्ट को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, लंबा हुआ, अगला पार्ट अभी जाने वाला रास्ता देखेंगे जो काफ़ी प्यारा बीच रोड के बगल एक एक खाई है ना, वो देख के आपको मज़ा आ जाएगा सच में। तो वो देखते हैं और ऑफ रोड करते करते जाएंगे, अभी काफ़ी दूर तक ऑफ रोड है। 717। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए पार्ट में। तो इंद्रा पॉइंट से मैं अभी वापस जा रहा हूँ ऑफ रोड करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियो अभी देखने को मिलेगा। और आने का रास्ता भी काफ़ी प्यारा है, मैंने मेरा बाइक फंस गया। देखिए कैसा रोड में मैं बाइक लेके आया था अंधेरा में। ये तो कुछ नहीं, आगे है और भी, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए देख सकते हो, काफी जगह तो मुझे पैर वगैरह रखना पड़ा था। स्लिप काफी ज्यादा होता है यहाँ पर। देखिए ये है पैशन प्रो हीरो होंडा, और ऑफ रोड गाड़ी सब रहेगा ना तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। जैसे कि एक्सपल्स वो आ गया तो मजा आ जाए मेरे हाथ में। अरे वीडियो वगैरह चलेगा तो वो भी ले लेंगे, लेकिन वीडियो ही नहीं चलता। आप लोग लाइक नहीं दबाते, लाइक दबाया करो यार, वो गाड़ी का सवारी देखने है। तो देखिए देख सकते हो रोड के बगल में एकदम, और भी सही सही है तो कुछ भी नहीं है। ओ ये जगह रात को समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए देख सकते हो क्या हाल है, साइड में ये जगह नहीं होता तो मुश्किल। अगर खुला टाइम रहता ना मेरे पास तो मस्त में वो इंद्रा पॉइंट में खा पी के सो जाते थे, शाम को आना था फिर आराम से। ये जगह तो देखिए, और ये जगह भी खाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए देख सकते हो, यहाँ से जाना पड़ता है, ये कभी भी धस सकता है। पहले नीचे से था वो धस गया, अभी ऊपर से फिर से बनाया। अभी भी काम चलता है, देखिए नीचे साइड पुल बनेगा। ओके हाँ, देखिए देख सकते हो, ये वो बना रहे हैं जो लद्दाख वगैरह में बनाते हैं ना रोड वगैरह, तो यहाँ पे अगर ये नहीं बनाएंगे ना तो और कोई नहीं बना सकता। मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे बारिश गिर गया ना, अभी तो बारिश गिर के पहले हट चुका है एक दिन शायद, ठीक है, अगर अभी बारिश गिर गया तो मुझे बाइक लेके जाना वापस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे पैदल जाना पड़ेगा कीचड़ में। इसमें बारिश मौसम वगैरह देख के आना पड़ता है, इससे मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, मौसम ठीक ही नहीं होता, तूफान आ जाता मुझसे। देख सकते हो अभी रोड बन रहा है, वहाँ पे पुल वगैरह बन रहा है, बारिश में यहाँ फंसना नहीं कभी बस।
दिन में चलाने के लिए ठीक है, मैं दो बार रात में चला लिया अंधेरे में, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देखिए देख सकते हो मुझे पैर नीचे रखना पड़ रहा है, कोई कोई जगह तो गाड़ी का नीचे साइड लग जाता है। ये चढ़ाई बहुत हार्ड वाला है, वो तो मैं आने के लिए उतारने के लिए डर रहा था, वो तो हिला भी था, स्लिप हो रहा था। चलो अभी आराम से पार हो गया। ये जगह और भी ज़्यादा मुश्किल, स्लिप हो रहा है, टायर सही होना चाहिए। फिर ये रोड ख़त्म होने के बाद अभी जो नया रोड बन रहा है, पत्थर वगैरह डाल के रखे वो आएगा, उसके बाद पत्थर रोड के ऊपर पूरा सारा पत्थर आएगा, फिर अच्छा रोड आएगा, फिर ग्लासिया का वो गंदा रोड आएगा, ऐसे ही है। फिर उसके आगे बाज़ार तक जाने के लिए टूटा मूटा रोड, ये इसमें भी चलाने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है यार। वैसे कहाँ से पार करे, वो साइड सही था, यहाँ में एक साइड जाने का गाड़ी का साइड में लग सकता है, ये तो बीच से ले जाते माची का पास। आपको पता लग गया क्या रोड का हाल है यहाँ पे, रात को मैं ऊपर चढ़ाने वाला था, भवाल हो गया था, ऊपर पुल बन रहा है, फिर सीधा टूट के अंदर जाता हूँ। तो देखिए देख सकते हो यहाँ पर भी एक खाई, इधर रोड के साथ में है, रोड कभी भी स्लाइड हो सकता है, आगे इससे ज़्यादा हाल है। अभी थोड़ा सा पत्थर है, उसके ऊपर मट्टी है, पत्थर मट्टी मिक्स हो रहा रोड, फिर से कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता भी बहुत दूर है, कच्चा पक्का है, मिक्स वाला आएगा। अगर मेरा स्कूटी रहता ना ये जगह तो शायद मैं कभी आ ही नहीं पाता लगता, आ जाता, बहुत स्लो आना पड़ता गाड़ी को देखते हुए। पत्थर और मट्टी मिक्स वाला रोड है, अभी बन रहा है। देखिए देख सकते हो यहाँ पर भी खाई है, जब रोड से सटा हुआ यार, वहाँ भी यहाँ भी देखिए, अचानक से गाड़ी स्लाइड हो गया तो गया, एक दिन ये सब रोड धस जाएगा, इस पहाड़ी को काट के फिर नया बनाना पड़ेगा। देखिए देख सकते हो पीछे एक छुड़ी है, वहाँ पर ये तो बहुत ज़बरदस्त वाला है, देखिए तो ये खाई कितना गहरा है, कभी भी स्लाइड हो सकते। देखिए पूरा रोड ऐसे पहाड़ी को काट काट के बनाया गया है, बहुत पता नहीं 50 मीटर उससे ज़्यादा गहरा होगा यार, ऐसा पूरा है रोड साइड में। पीछे देखिए बड़ा पहाड़ है ये, तो देखिए देख सकते हैं ये पत्थर बैठाया गया है। मैं रात को जा रहा था, मुझे लगा कि सीमेंट और पत्थर है, गाड़ी का टायर वगैरह गड़ रहा है इसमें और फंस भी रहा है। सुबह सुबह काफ़ी डर डर के गया था, संभाल के नहीं चलाएंगे तो फिर मुश्किल। देखिए हैंडल इधर उधर जा रहे हैं, सब कंस्ट्रक्शन में है, मुझे हजार चाना घुमा भी नहीं सकते। पता देखिए तो देखिए देख सकते हो काफ़ी गहरा खाई है, ठीक है, और रोड के साइड में है, और यहाँ से मैंने आपको इंदिरा पॉइंट वगैरह दिखाया था, उस साइड से जहाँ से पहले मैंने आपको लास्ट रोडवे तो इंदिरा पॉइंट वाला जो वीडियो मैंने आप दिखाया था वहाँ से मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर आगे पड़ा है, ये उसका अपोजिट में है और काफ़ी प्यारा प्लेस है, एकदम सही है यार। और ब्यूटी यहाँ का जो काफ़ी प्यारा है यार, सनराइज़ देखिए और पीछे का मौसम देखिए यार। तो चलिए वापस चलते हैं, पहाड़ तो देखिए काट काट के
अगर ये कंपनी बीआरओ कंपनी नहीं बना सकते इसको, और आई थिंक इंडिया में और कोई कंपनी के बनाना मुश्किल ही है। ये ना वर्ल्ड लेवल में आ सकता है ये कंपनी, जो काम करता है ना। पहले सुनामी से पहले भी इन्होंने ही बनाया था, जो कि अभी इनका नाम बीआरओ हो गया, पहले ग्रिप के नाम से जाने जाते थे आई थिंक। ब्यूटी ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, को पता है लव जो जाके ही आएगा। अब यहाँ से मैंने आपको बोला था ना रोड रहेगा, उसके ऊपर बहुत सारा पत्थर है और इसमें ब्रेक्स अब ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी हैंडल भी इधर उधर जाएगा, एक तो टायर भी पतला है, सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है लेकिन बहुत काम करती है भाई, बहुत मेहनत करती है, काफ़ी पुराना गाड़ी है। यहाँ पर खाई देखिए, यहाँ पर भी आप, ये भी बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। ये जो लोग यहाँ पे काम करते हैं ना वो पीछे नहा रहे थे, जो रोड के साइड साइड पानी है ना उसको यूज़ करके वो नहा रहे थे, इसलिए मैंने कैमरा ये साइड ही रखा। ऐसा तो नहीं है सब कुछ ले ले, बस सब पहाड़ काट काट के बनाया है। ये भी धंसते रहेगा, फिर बनते रहेगा, धंसते रहेगा। सुनामी से पहले भी ऐसे ही था, रोड के बगल बहुत बड़ा बड़ा खाई था, सामने से गाड़ी भी आ रहे हैं, सब टूटी जा रहे हैं। पर नेटवर्क वगैरह मिलता है तो देखिए, इनको वहाँ पे रहते हैं नेटवर्क वगैरह नहीं है तो ये यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं, घर वाले से बात करते हैं। हमने कलातिया रिवर में एक किसी से बात किया था ना, वो बोल रहे थे नेटवर्क कहीं आने जाने दूर जाने से मिलता है, वो यही सब जगह है जो वो खुला एरिया है यहाँ पर नेटवर्क मिलता है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं बैग में, फ़ोन आशीर्वाद मैंने बैग में रख दिया, यहाँ पर आगे मिलेगा नेटवर्क, यहाँ पर नहीं है। क्या तो भाई 6 बजे मुश्किल था, 2 घंटा पीछे। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं ना ये उनका क्वार्टर्स है, डायरेक्ट सब खेल रहे हैं। तो पीछे जो बैठे थे ना वो लोग बाल काट रहे थे, एक दूसरे में हर एक को बाल काटना वगैरह आता है तो एक दूसरे से कटवा लेते हैं नहाने का जगह। भैया यहाँ नेटवर्क मिलता है क्या? मिलता है पुल का, वहाँ उधर उधर कलवट के पास भी मिलता है, वहाँ मिलता है। ओके यहाँ थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कितना दूर है? 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ एक कलवट ऐसे जाली भी लाया ना वही सामने। ओके थैंक यू भैया। तो अभी हम देखेंगे यहाँ का नेटवर्क, टेस्ट करेंगे। भैया यहाँ नेटवर्क मिलता ना? मिलता। चलो अभी हम लोग नेटवर्क टेस्ट करेंगे यहाँ पे। किसका मिलता है, BSNL की एयरटेल? एयरटेल का भी मिलता, सब मिलता। मेरा उसमें तो दिखाते ही नहीं, छोटा फोन है ना आपका। हाँ देखिए देख सकते हो, रुको तो देखिए देख सकते हो, यहाँ पे 2 डंडी नेटवर्क मिल रहा है BSNL का, एयरटेल का नहीं मिल रहा है फिलहाल तो। अभी BSNL ये खुला एरिया में मिलता है, उस पार बस्ती है, काफ़ी दूर है इसलिए वहाँ से मिला। वो जो गैप दिख रहा है ना पहाड़ का, उसके बीच से नेटवर्क आ रहा है। 2 डंडी BSNL आपको दिख रहा है ना कि मुश्किल हो रहा है। अच्छा तरीक़ा से बात हो जाता भैया, हो जाता भैया। वैसे आप लोग कहाँ से हो? झारखंड से, मतलब जितने लोग हैं सब झारखंड से हो? ओके चलो भैया थैंक यू। जितने लोग हैं ना सब झारखंड से ही है यार,
काफ़ी मेहनती लोग हैं लोग, अगर ये लोग नहीं देंगे तो यहाँ पे रोड कभी ना बने फिर शायद। ऐसा बनाना पड़ता है तो फंस जाएगा सब। अब ये जैसे ही पार हो जाएगा ना तो अच्छा रास्ता मिल जाएगा। अरे यार स्लो चलाना पड़ेगा। अच्छा रास्ता काफ़ी गलातिया रिवर के थोड़े पास तक मिल जाएगा तो आराम से पहुंच जाएंगे। लोग अभी जा रहे हैं काम में। मेरे हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है ना, सब मुझे देख देख के हंस रहे हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं यार, अपने घर से 2-3 साल दूर रह के सब मेहनत काम करते यार। हमसे तो ना होगा फैमिली से दूर रह के, पर ये लोग मजबूरी में करते हैं यार। ये इसलिए करते हैं कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, और मिलेंट वगैरह में ना ज़्यादा काम वगैरह नहीं मिलता है। और यहाँ का व्यू भी देखिएगा, और सही है जंगल। यहाँ भी खाई, वो है गलातिया रिवर। गलातिया रिवर का पुल भी दिखता होगा। हाँ यहाँ पर भी खाई है सब जगह। गलातिया रिवर का वो है खाड़ी। यहाँ पर रोड में काफ़ी ज़्यादा पत्थर है, देखिए हैंडल अलग ही जा रहा है, पीछे चक्का अलग सामने चक्का अलग। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। देखिए देख सकते हो ये पत्थर मट्टी खत्म, और थोड़ा अच्छा रास्ता मिला। अभी गलातिया रिवर के पीछे तक है, एकदम गलातिया रिवर पर टच नहीं है तो अब थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे गलातिया रिवर। ये लोग सूखा लकड़ी वगैरह जमा कर रहे हैं खाना वगैरह बनाने के लिए। अब सिलेंडर तो आएगा नहीं लोगों के लिए, सूखा लकड़ी अच्छा है, पेड़ तो नहीं काटते, सूखा लकड़ी वगैरह जमा कर रहे हैं। संडे है फिर भी ये लोग मेहनत कर रहे हैं यार, संडे भी रेस्ट नहीं है इनका। और इतना दूर है कैंप इनका, तो पीछे जो जाएंगे अगर तो लोग लकड़ी उठाने जा रहे थे। देखिए यहाँ पर एक जमा कर रहे हैं और ये लोग यहाँ कैंप तक लेकर आ रहे हैं, तो इसी से खाना वगैरह बनेगा इनका, इतना कढ़ाई वगैरह। चलो इस नए रोड पर थोड़ा सा चाल पकड़ते हैं, मीटर तो चलता नहीं। सही टाइम मैंने ब्रेक दबा दिया था, नहीं तो बस अब गिरना निश्चय था मेरा, क्योंकि बालू बजरी मिक्स था वहाँ पे।
ये है गलातिया रिवर यार, सुबह सुबह भी अच्छे दिखता है यार। तो दोस्तों ये है गलातिया रिवर, ठीक है, ये उसका पुल अभी बनना है। और पीछे भी देख सकते हो, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये भी काफ़ी प्यारा है। मैंने वीडियो यहीं से स्टार्ट करा था, तो मैंने पहले ही गलातिया रिवर के ऊपर वीडियो बना दिया, तो फिर मैंने सोचा कि इसके आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिश वगैरह तो देखिए, शाम हो दिन हो कभी भी हो यार, झुंड में घूमते हैं। और मगर वगैरह तो शायद अभी दिख सकता है, धूप वगैरह सेकने तो आया होगा। आई थिंक वहाँ पे है शायद, कंफर्म नहीं बोल सकता, कोना वगैरह में होंगे पक्का। तो ठीक है, वहाँ जाके मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। गलातिया रिवर भी सही है यार, ये सबसे बेस्ट प्लेस लगा यार शाम के टाइम। इंद्रा पॉइंट सुबह के टाइम, शाम के टाइम वो तो अलग ही है। आज मैंने बहुत बड़ा जो किया है ना, घने जंगल से मैं अकेले गया इंद्रा पॉइंट में, इंद्रा पॉइंट का लाइट हाउस चढ़ के भी आ गया, मानना पड़ेगा। लवजोत सिंह ब्लॉग्स, ये ओनली ऑन लवजोत सिंह ब्लॉग्स हैं, और कहीं आपको ये सब देखने नहीं मिलेगा अकेले घने जंगल में। तो चलिए वहाँ का व्यू देखते हैं। देखिए देख सकते हो, ये जो कंपनी है ना उसका पुराना कैंप है, जो लोग वहाँ पर थे जब यहाँ पर रोड बनता था, यहाँ पर रुके हुए थे, अभी आगे चले गए। फिर और आगे जाएंगे तो कैंप उनका शायद और आगे हो जाएगा, या तो वहीं पर रहेंगे। रोड का हालत तो यहाँ पर भी ख़राब है। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा था ना, जहाँ से नेटवर्क वगैरह मिलते हैं उसके ऑपोजिट में ये जगह से मैंने आपको पहले इंद्रा पॉइंट दिखाया था। देखिए देख सकते हो, इंद्रा पॉइंट का लाइट हाउस वहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ये जगह पड़ता है ना कितना किलोमीटर, ये पड़ता है 39 किलोमीटर। यहाँ से हम घूम के जाएंगे गलातिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, घूम फिर के वहाँ पहुँचेंगे 62 किलोमीटर। तो ये है 39 किलोमीटर और वो पड़ता है 62 किलोमीटर। तो सोच लो कितना ज़्यादा दूर था, और रोड इतना ज़्यादा ख़राब है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वहाँ का बीच वगैरह चमक रहा है यार। गलातिया बीच काफ़ी बड़ा है यार, मैंने ऊपर से देखा था, देखो तो सही दिख रहा है। हमेशा मैं शाम को ही आया हूँ, आज फर्स्ट टाइम इतने सुबह। अभी टाइम देखो 9 बजने वाला है, और ठीक है 9 बजने वाला है, इतना पहली बार इस टाइम में। और देखिए यहाँ का पानी देखिए ना, लाइट ग्रीन वाटर बालू है बोल के, क्या है भाई, एक नंबर प्लेस है ये सब, अभी देख लो। और यहाँ का रोड का हाल देख सकते हो, कच्चा रोड तो फिर भी बहुत अच्छा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। जब उस टाइम आया था थोड़ा ठीक था, और इसका आगे तो और भी है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये 38 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से इंदिरा पॉइंट का, इंदिरा गांधी जी का स्टैचू भी दिखेगा आपको, वो चला गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको और दिखाता हूँ। ओए छोड़ दो रे, अब तेरे को थोड़ी कुछ करते हैं। कुत्ता दौड़ के आ गया था मुझे काटने के लिए। ये सब काम करने वाले लोग हैं आई थिंक, ये जो डैम बनाते हैं ना इसके लिए है। देखिए तो देखिए रोड का क्या हाल है, डैम रोड है ही नहीं, ये सीमेंट का बना था पता। काटने आ रहा था यार, और गाड़ी भी बंद था, काट करा फिर बंद हो गया, भागने भी नहीं मिल रहा था। क्या ही करूँ, कितना बचाऊँगा, इसलिए ऑफ रोड गाड़ी मंगता है। वहाँ से जा सकते थे, फिर चढ़ाना मुश्किल था, बज रही है, एक तो ब्रेक ब्रेक मारना भी मुश्किल है इसमें। इस तरह टूटा फूटा बीच में मिलता रहेगा। इस जगह मैंने सबसे प्यारा व्यू यहाँ पर है यार, जाते समय
को काट के बीच से रास्ता बनाया गया है, काफ़ी प्यारा है। इसके बीच से बहुत सारा हवा आएगा समुंदर का। ये पूरा बड़ा पहाड़ था काट के बनाया, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी प्यारा है। वो मैं पहले वीडियो में मैंने दिखा दिया, और दोबारा रुकूंगा नहीं, काफ़ी जगह रुक के गियर चढ़ा के डाउन करके गाड़ी का वाट लग गया। यहाँ का व्यू यार काफ़ी प्यारा है। वो देख पहले का वीडियो में है, देख लेना, रोडवे टू इंद्रपूर्णा। ये है इंडिया का आखिरी विलेज जिसका नाम है शास्त्री नगर, आखिरी गाँव है इंडिया का, और इस आइलैंड का भी, और अंडमान निकोबार आइलैंड का भी। मैंने पहले वीडियो वहाँ से स्टार्ट करा था, अभी वहीं पे एंड करेंगे। तो देखिए, देख सकते हो ये है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ के नाम से जाना जाता है। लद्दाख वगैरह में भी इनका ही बनाना है। अगर ये कंपनी यहाँ पर रोड नहीं बना सकता तो कोई इंडिया में और कोई कंपनी शायद नहीं बना सकता। ये सबसे बेस्ट कंपनी है, जहाँ पर रोड नहीं भी जा सकता वहाँ पर ये लोग बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए गलाथिया नेशनल पार्क 7 किलोमीटर, गलाथिया रिवर 9 किलोमीटर, इंदिरा पॉइंट 24 किलोमीटर दूर है। अभी बज रहे हैं 9, और यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटे के आसपास मुझे लगेगा घर पहुँचने के लिए। ठीक है, नाउ मतलब 10:30 को या तो 10:45 के आसपास ही मैं घर पहुंचने वाला हूं। रोडवे टू इंद्रा पॉइंट वाला जो ब्लॉग था ना, यहीं से शुरू करा था, और ये वाला वीडियो को यहां से समाप्त करते हैं। मैंने आपको इंद्रा पॉइंट दिखा दिया, तो चलिए टाटा बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।